में प्रचलित हुआ, और वो वाक जो है वो संस्कृत होकर के संस्कारयुक्त जो शब्द हैं वही वाक के लिए प्रयुक्त हुए हैं और देवतार्थक तक चले गए, वो बहुत दूर तक वो। लेकिन आज के संदर्भ में हम देखें तो इस दर्शन को अगर हम देखते हैं तो एक तरफ तो मनुष्य को ये कुछ समझ में आ रहा है कि जो परम तत्व है, जो परम सत है, वो परम सत जो है वो अव्याख्य है, उसका भाष्य नहीं कर सकते हैं हम। भाषणों के द्वारा उसके आसपास परिक्रमा तो कर सकते हैं, लेकिन उसका जो मूल केंद्र है उसमें अनुप्रवेश हमारा भाषा के माध्यम से, भाष्य के माध्यम से नहीं होता है। वो जो है भाषण शब्द जो है वो मूलतः वैखरी के लिए ही प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए वाक का भाषा जो है उसे एक वाक का ही अंग रूप में हम स्वीकार करके चलते हैं। भाषा शब्द का अस्वीकृति नहीं है, लेकिन भाषा शब्द को वैखरी वाक के रूप में उसको लेके चलते हैं। लेकिन मंत्र वाक के रूप में जो है वो वाक शब्द का ही प्रयोग होगा, मंत्र के लिए भाषा शब्द का प्रयोग नहीं होता है, मंत्र के लिए वाक का ही प्रयोग होता है। इसलिए इस दर्शन को अगर हम देखें तो इसकी हमारे सामने दो पक्ष प्रस्तुत होते हैं शैव दर्शन के अंदर। एक पक्ष जो है वो ये चल रहा है कि साध्यंता त्वाम अनंत परम शिव गुरुम ते कथम वर्णयेयुः। एक और ये सभी लोग दुर्वासा जैसे मुनि लोग भी ये कहते हैं कि ये श्री शंभो ते महिम्नः स्तुतिपथ रचिता सांग वेद शास्त्र। ये सारी श्रुतियां, वेद, जितने भी वाक तत्व है, ये सारे के सारे तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। मैडम लेवलीन, यही बात में शिव महिम्न स्तोत्र में भी शुरू में वो कह देते हैं कि हेलो। ये अतीत पंथानम तव च महिमा वांग मनसे, हाँ, वो दूसरा कंटेक्ट तुम्हारी है। जो महिमा है। अब ये महिमा क्या है, वो महिमन आपने शब्द पुल्लिंग देख है, महिमा शब्द को भी देखना चाहिए। इस महिमा का पतंजलि योग शास्त्र में कुछ अच्छा निरूपण व्यास भाष्य में मिलेगा आपको। तो अतीत पंथानम तव च महिमा, तुम्हारी महिमा जो है वो वाणी का विषय ही नहीं बनती है, ये पुष्पदंत गंधर्व कह रहा है। तो फिर हम कैसे वर्णन करें तुम्हारे, तुम्हारे विषय में चर्चा भी क्यों करें, फिर साइलेंट ही हो जाए, मौन ही हो जाए। दुर्वासा भी ये कह रहे हैं कि सिद्धांता नैव सचकित मतयो नैव पश्यन्ति पारम। क्यों साध्यंता त्वाम अनंतम, तुम अनंत हो, और ये वाक तत्व जो है ये साध्यंत है, आदि भी अंत है इसका, बोलना भी शुरू करते हैं फिर इसका समापन भी कर हो रहा है। तो साध्यंता त्वाम अनंत प्रकृतिम ये कैसे वर्णन करें। फिर कहते हैं कि विनम्र होके दोनों ही, पुष्पदंत भी और दुर्वासा भी, दोनों ही फिर कहते हैं कि हम प्रज्ञानुसारादहम होता, फिर भी लोग जो हैं वो सत्य की ओर जब उन्मुख होते हैं तो वो अपनी अपनी प्रज्ञा के अनुसार, जितनी जिसकी समझ है उसके अनुसार उसे कुछ कहने का हक तो मिलना ही चाहिए। ये एक अपील करते हैं जैसे वो उस परम शिव के आगे, ये साध्यंत हैं ये सारे के सारे। अब वो वर्णन नहीं पूरी तरह से आपका कर सकते हैं अगर, तो फिर हम लोग उसमें क्या ही करेंगे। लेकिन हम लोगों को इसके अतिरिक्त भी ये एक थोड़ा सा अधिकार मिलना ही चाहिए कि हम, क्योंकि प्रेम और भक्ति के अंदर ये अधिकार भक्त जो है वो ले लेता है, उसके अंदर दार्शनिक चर्चा में विचार करने में वो अधिकार मिल भी जाता है।
इसलिए एक तरफ तो ये भाषा को बहुत ही ससीम रूप में वाक् को हम देख रहे थे, और दूसरी तरफ शैव शास्त्री के अंदर ईश्वर प्रतिज्ञा कारिका में ये कहा गया है कि अहम प्रत्यवमर्शो यह, ये जो परम शिव है जिसका अहम प्रत्यवमर्श है, ये प्रत्यवमर्श जो है वे फिर उसमें प्रतिज्ञा की तरह है, ये जो उन्मुख उन्मुखी भाव है, ये अहम प्रत्यवमर्श जो है ये प्रकाशात्मा होने पर भी अहम प्रत्यवमर्शो यह, ये अहम प्रत्यवमर्श जिसकी हम चर्चा अब तक करते आ रहे हैं कि अहंता पूर्ण अहंता, लेकिन ये जो सारा अहम प्रत्यवमर्श है ये हमारा जो अहम बोध पूर्ण अहंता का बोध जो कुछ भी है, ये प्रकाशात्मा भी, ये चाहे प्रकाशात्मा प्रकाश रूप ही है किद रूप ही है, ये प्रकाशात्मा होने पर भी वाक् बपु, वाक् इसका वपु है, वाक् इसका, अब वपु का मतलब अगर स्थूल शरीर के अर्थ में लेंगे तो थोड़ा गड़बड़ होगी, वपु शब्द जो है वो स्वरूप वाचक ही है, वो प्रकाशात्मा होने पर भी तुम्हारे स्वरूप का ही एक, तुम्हारे स्वरूप का ही पक्ष है, स्वरूप ही है वो। इस प्रकार का बल जो है काश्मीर शैव शास्त्र देता है, और यहीं से वो सूत्र निकलता है, वो सूत्र जो भारतीय भाषा दर्शन की मूल भूमिका को दार्शनिक दृष्टि से कहें या दार्शनिक दृष्टि से ना भी कहें तो एक रहस्य दर्शन उपस्थित करता है, क्योंकि यहाँ पर वो एक परावाक की कल्पना करते हैं कि परावाक जो है शाही प्रत्यवमर्शी, वो प्रत्यवमर्शात्मा है, वो शिव से वो ऐसा शक्ति का रूप है, वो पराशक्ति परावाक जो है, परावाक जो है वो तो शिव के साथ ही है सदा, उससे अभिन्न भाव है उनका, तो इसलिए परावाक जो है वो एक ऐसा पक्ष हमारे सम्मुख भारत के व्याकरण शास्त्र के मनीषी दृष्टाओं ने उपस्थित किया कि वो परावाक जो है वो शुद्ध चैतन्य रूपा ही है, चिति रूपा ही वाक है वो। उसका जो दूसरा पक्ष वो सब लोग आप जानते हैं कि जिसके अंदर की वो एक पश्यंती का रूप लेती है, वो वाक जो शब्द रूपा वाक है वो उसके साथ जब वो उसका जागरण होता है तो वो या उसका सृष्टि की ओर उन्मेष की ओर आती है, जब वो रचनात्मक धर्मिता की ओर आती है तो वहां पर एक बड़ा ये मार्मिक शब्द का प्रयोग किया है, और वो मार्मिक शब्द व्याकरण शास्त्रियों के द्वारा जो प्रयोग हुआ है वो है कि वो शब्द जब उठता है तो शब्द बिना आलोक के नहीं उठता है, वो प्रकाशात्मा, क्योंकि वहां जो ऊपर कहा गया ना कि प्रकाशात्मा भी वाग बपु, वो प्रकाशात्मा वो प्रकाश को लेकर के ही शब्द उठता है, तो वो आलोक है, वो आलोक रूप जब जागरण होता है तो पश्यंती उसके लिए शब्द रखा कि पश्यंती पद का अर्थ क्या है, वाग का वो रूप जहां पर कवि लोग जो है वो उनके आगे प्रकाश आता है, उनके आगे वो जो चैतन्य है उसका आविर्भाव होने लगता है, आविर्भाव की एक प्रथम अवस्था पश्यंती का रूप है, वहां पर वो देखता है, आलोक आता है, देखना देखना क्रिया का संबंध भी आलोक के साथ ही, इसलिए और पश्यंती से उठ करके मध्यमा में आता है, मध्यमा वाक में आकर के थोड़ा शब्द और अर्थ जो है वो फुट होने लगते हैं, और उसमें से अंकुरण होने लगता है, उसके अंदर एक मिथुन भाव सा उत्पन्न भी होता है शब्द और अर्थ का, और वहां से होकर के वो कंठ के माध्यम से वैखरी वाक में परिणत होकर के वो विस्तार जो है वाक का जो विस्तार है वो वाक विस्तार से आप सभी लोग परिचित हैं, उसको आप भाषा कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए, भाषा शब्द से भी उसका प्रयोग हो सकता है, वैखरी वाक का तो होता ही है, लेकिन चिटी रूप में ये प्रकाशात्मा
कश्मीर शरीफ शास्त्री स्वाद से परहेज रखेगा कि भाषा शब्द का प्रयोग वो परावाक के लिए या पश्चंती मध्यमा व्यक्ति के लिए वो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर वो कहते हैं कि वाग रूपता चेत उत्क्रामे दवबोध से शाश्वती। अगर हमारे ज्ञानों की जो वाग रूपता है वो अगर उसका उत्क्रमण हो जाए तो ये तो सारा सारे का सारा हिसाब किताब अंधकार में चला जाए। तो ज्ञान को भी उस तरह से दो रूपों में आना पड़ा, ज्ञान को भी दो रूपों में आना पड़ा कि एक उसमें वाचक वाच्यार्थ संबंध से आ रहा है, वाच्य अर्थ है उसमें, और दूसरा उसका जो एक उसका जो अभिव्यंजक पक्ष उसका आता है, उसकी जो भीतरी चेतना है, उसका जो चैतन्य बोध है वो उसके साथ जो लगा हुआ है, दूसरा पक्ष उसे थोड़ा रहस्यात्मक बना देता है। इसलिए वहाँ पर ये थोड़ा सा स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है कि वाक शब्द का ही प्रयोग वहाँ पर स्वीकृत हुआ है और व्याकरण शास्त्र ने भी वाक शब्द का ही प्रयोग किया है और भाषा शब्द का प्रयोग जो है वो अपभ्रंश आदि भाषाओं के लिए कुछ परवर्ती काल में होता रहा, लेकिन भाष मूलतः संस्कृत का ही शब्द है और उसका जो स्वरूप आता है हमारे सम्मुख वो स्वरूप जो है वो एक प्रकार से भाषाओं में ही आता है और दर्शन में उसका उस प्रकार के भाषा दर्शन के रूप में कोई दर्शन विकसित नहीं हुआ है, वाक दर्शन तो उसके रूप में हुआ है। यही कारण है कि जो वैखरी वाक है जिसे हम भाषा के रूप में ही प्रयोग करने लगे हैं, क्योंकि अब आधुनिक समय में भाषा शब्द का ही प्रयोग होता है, वाक का प्रयोग बिल्कुल ही लगभग बंद ही है। तो कश्मीर शैव शास्त्र उसमें उसका जो अभिव्यक्ति पक्ष है उसमें जिसे अपना दर्शन उपस्थापित करता है, वर्ण से उपस्थापित करता है, ये वर्ण क्रम ये पूरी की पूरी एक सृष्टि जो है वाक की सृष्टि ही सारी की सारी है और इसमें वर्ण क्रम के अंदर वो 16 जो स्वर हैं और 25 व्यंजन हैं और उसमें जो अंतस्थ हैं ऊष्म हैं ये सारी की सारी वर्णों की प्रक्रिया, इसके बगैर ये भाषा का कोई स्वरूप वाक का कोई स्वरूप सामने नहीं आएगा, प्रकट नहीं होगा। इसलिए वाक तत्व का जो स्फुरण होता है वो वर्णों के रूप में होता है और इसलिए वर्णा वर्ण जो है प्रत्येक वर्ण को कश्मीर शैव शास्त्र के अंदर प्रत्येक वर्ण जो है वो मंत्र स्वरूप है, प्रत्येक वर्ण ही मंत्र है और मंत्राणाम अचिंत्य शक्ति का उनकी अचिंत्य शक्ति है। आज हम का से परिचित नहीं, एक के माने हम यही समझते हैं कि का के माने एक आकृति हमारे सामने आती है, का के माने ये ध्वनि और ये उसकी आकृति हमारे सम्मुख आ गई है, लेकिन संस्कृत में का कम नाम का ध्वनि के कई अर्थ हैं उसमें, खा के आकाश तत्व का बोधन करा रही है और उसे इस मुद्रा का नाम रखा गया खेचरी मुद्रा, ये आकाशीय चरती थी खेचरी, वो चेतना के आकाश में जो विचरण करती है वो खेचरी मुद्रा है। इस तरह से यहाँ पर वो जो वर्ण क्रम है वो अकार से लेकर के शकार पर्यंत जो 50 वर्ण बनते हैं वो 50 वर्णों की जो माला है वो वर्ण वर्णों की जो माला वो वर्णों 50 वर्णों की माला से ही सारे का सारा ये साहित्य का दर्शन का सारी विद्याओं का जितना भी पिंड खड़ा हुआ है जितना स्वरूप बना वो सारा स्वरूप जो है इसी वर्ण क्रम के अनुसार है। वर्णों का ये क्रम बड़ा महत्वपूर्ण है इसके दर्शन के अंदर, वर्ण क्रम से ही हेलो मैडम देनो अर्थ सार्थकता का ज्ञान के दोनों स्वरूपों का, ज्ञान का बाह्य रूप और ज्ञान का जो चित रूप है
दोनों का ही जो ये तो आविर्भाव साथ है में लिंक इन भी आप वर्णों कहते के हो, प्रकरण माध्यम भी से तो हो वही सकता ही है, इसलिए यूज कर रहे वर्णों हैं आप, के उन्होंने दो पक्ष रख दिए दे रखा है कि ना कि सामान्य स्थिति रूप से को जो आम दिया आदमी हुआ है को 7 बन 2 जिन बन। वर्णों से परिचय पहले हम शुरू में कराते हैं, तो उसको हम इस तरह का दर्शन ही अच्छा बढ़ाने बहुत लग बड़ा जाते ज्ञान है, हैं कि तो प्लीज आप ये उसको यूज कर लें। उसमें संस्कार रूप में मुझे स्मरण है ये सेमिनार का है, कि वो लेक्चर्स वाला नहीं। ये जो प्रयोग करते थे हम लोग उसमें ये मैंने दे रखा है, शुरू ये में वो मिट्टी देखो ना, को जमीन के ये ऊपर डाल चैट करके में देखो, चैट में, जो उसमें शिक्षा में जिसको इनिशिएट किया चैट में जाता देखो था, किसी प्रासंगिक भी लेक्चर सीरीज। शिक्षा प्रणाली में जब सीखने के लिए बच्चे को लाया जाता था तो उसकी उंगली को पकड़ करके जो हाँ पाई शिक्षक देखो, था वो मिट्टी के ऊपर मिट्टी का वहां पर वो बिछा करके, तो हाँ पाई वो देखो, उसे जो उंगली से कहते थे कि बोलो तुम 1 8 4 6 8 4 6 ओम नमः सिद्धम। तो बाद में हमें पूछा कि ये ओम नमः नमः के प्रयोग में सिद्धम वर्ग ही क्यों प्रयोग करते हैं आप, तो ठीक है ना, और वो एक मस्त अलग तो बात हुई है हो गई। संस्कृत पेंटिंग। लेकिन ओम का ठीक सबसे पहले ओम को लिखना सिखाते हैं। अब ये शैव दर्शन जो है वो ओम को वाक का मूल मानता है और ओम जो है उसको पद भी मानता है। ये आप उसमें अगर शिव महिम्न स्तोत्र में देखेंगे कि जहाँ वो वर्णन करता है कि वाक का शैव दृष्टि से वाक का वैभव कैसा है, प्रेम तिस्रो वृत्ति त्रिभुवन मथो त्रीण्यपि सुरान नकाराद्य वर्णिष्टिभिरभिदधत् कीर्ण विकृति तुरीयन्ते धामध्वनिभिर्वरुन्धानमहि समस्तम व्यस्तंताम शरण गृणा क्योंमिति पदम। अब यहाँ अब देखें कि हम ओम को वर्ण के रूप में ही देखते हैं, लेकिन यहाँ पर वो प्रयोग कर रहे हैं कि ओम अपने आप में एक पद है। पद का मतलब संस्कृत में ये नियम है कि बोलते समय अपनम न प्रयुञ्जी, जब तक कोई शब्द जो है वो पद न बने। पद बनना क्या होता है कि संस्कार शब्द का चाहे संज्ञा शब्द है चाहे क्रियापद क्रिया शब्द है, जब तक वो प्रकृति प्रत्यय के अनुसार उसका संस्कार होकर जब तक वो शब्द नहीं बना है तो उसे पद नहीं कहा जाता है। अब यहाँ पर ये पद प्रकृति और प्रत्यय इसके योग से वो पद बनता है। तो वो पद ओम को हम प्रायः लोग जो है ओम को एक ध्वनि के रूप में समझते हैं कि ओम जो है वो एक ध्वनि है एक अक्षर है, लेकिन यहाँ पर शैव प्रयोग जो है ओम इति पदम, ओम जो है ये पद है और ये पद ये व्यस्तम समस्तम काम, ये ओम जो है ये व्यस्त भी है और ये समस्त भी है। व्यस्त क्या है कि जब अ उ म ये तीन मात्राएं खोल लेंगे तो व्यस्त हो जाएगा और समस्त हो जाएगा ओम भी, ऐसा करके जब हम कहेंगे जब तीनों को एक कर देंगे तो वो समस्त हो जाएगा। तो ये जो ओम इति पदम ओम जो पद है ये एक ऐसा कैप्सूल है, एनर्जी एक इसमें ऐसी ऊर्जा है कि इस ऊर्जा के अंदर त्रयीम तिस्रो वृत्ति ये सारी त्रयी वेद विद्या इसी के अंदर निहित इसी कैप्सूल में बंद है। ये वाग बीज जिसे आप बीज शब्द सुनते आ रहे होंगे, वाग बीजे प्रथमे स्थिता तव सदा तम मन महे ते वै, तो ये जो बीज है ओंकार को भी ये वैदिक लोग उसका सारा वाग तत्व का बीज रूप में ही स्वीकार करते हैं। त्रयी विद्या सारी स्त्रो वृत्ति और तीन आपकी जो वृत्तियां हैं शब्द वृत्तियां हैं अभिधा लक्षणा व्यंजना इत्यादि, या तीन आपकी जागृत स्वप्न सुषुप्ति तिस्रो वृत्ति त्रिभुवनम भू भुव स्व तीनों लोक
तीन अपिसुरान तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु रुद्र अकाराद्य वर्णी स्त्री ये अकार उकार मकार इन तीन वर्णों से ये तीन तीन की संख्या को कहता हुआ ये ओम उपाधि है। लेकिन तीर विकृति ये बाहर इसका जो बाहर का रूप है वो बाहर का जो पक्ष है वो त्रि और तीसरो वृत्ति त्रिभुवन तीनों भुवनों का बाहर ये सब ये शुद्ध अद्वा अशुद्ध अद्वा इसका अशुद्ध अद्वा का बाहर से प्रकाशन करता हुआ ये ओम जो पद है ये ओम पद तीर्ण विकृति वो जब उत्तीर्णता की ओर बढ़ता है उत्क्रमण ऊपर की ओर जब उठता है वो तीर्ण विकृति जहां पर वो उसमें विकार नहीं है यहां पर उसके अंदर विकृति नहीं है तीर्ण विकृति तुरीयम के धाम वो जो चतुर्थ चतुर्थ पद है इसको तुरीय पद कहा जाता है। तुरीयन्ते धाम वो जो तुम्हारा तुरीय धाम ओम का जो तुरीय धाम है वो ध्वनि भी रवरुण ध्यान मन भी उसके अंदर जहां पर वो नाद ब्रह्म के चैतन्य नाद चैतन्य के जहां पर बिंदु छोटे छोटे अणु मंडरा रहे हैं जिसके अंदर बड़ा सेंसिटिव प्रयोग कर दिया वहां। उत्तरीय धाम कैसा है तुम्हारा धाम का धाम पद का भी संस्कृत में अर्थ है धाम भी वो होता है जो आलोक युक्त है वही धाम है जहां पर प्रकाश है वो तुम्हारा जो प्रकाशात्मक धाम है ध्वनि भी रवरंधान मणु भी वो वहां पर अणु ध्वनियों ध्वनियों के अणुओं के योग से अणुओं से ही जो भरा पड़ा है जहां पर ये सारे उनको अणुओं को हम बीज भी कहने की स्थिति में नहीं है ध्वनि भी रवरंधान मणु भी वो वहां पर नाद ब्रह्म जागृत हो रहा है जिसके अंदर वो चैतन्य पर जो है समस्तम व्यस्तम त्वाम शरण दे ये शरण देने वाले हे शिव वो ओम ओम जो पद है ये शिव वो तुम्हारी ही स्तुति करता है वो ओंकार जो है ये परम शिव वो तुम्हारे ही स्वरूप का बोधन करता है। ओंकार का एक विश्वात्मक रूप बन गया जो ये त्रयी विद्या तिष्ठो वित्ती त्रिभुवनम तीन अपिसुरान इनका वर्णन कर रहा है और वही जो है उत्तीर्ण विकृति होकर के वो विश्वोत्तीर्ण भी बन जाता है। विश्वात्मक भी वही है और विश्वोत्तीर्ण दोनों पदों को ओंकार ऐसा शिव लोगों की विचारणा वाक के बारे में रही। लेकिन इस विचारणा का कुछ तंत्रों में आगमों में दर्शन भी स्पष्ट किया है लोगों ने। उन्होंने कहा है कि भाषा का एक वाक का ऐसा रूप है जिसको बड़ी ये मौलिक और थोड़ी रहस्यात्मक दृष्टि भी है क्योंकि उसके अंदर आगम शास्त्र में कहीं कहीं पर ये पुस्तकों का भी उसमें जिक्र देखने में आता है कि जहाँ पर कहते हैं कि पुस्तकें कितने प्रकार की हैं कि पुस्तकें भी पांच प्रकार की होती हैं। ये पांच प्रकार की पुस्तकें कौन सी हैं कि ब्रह्मांड पुस्तक है और ये इनको नित्य पुस्तकों में शामिल करते हैं ये ब्रह्मांड पुस्तक है पिंड पुस्तक है और ये बिंदु पुस्तक है ये नाद पुस्तक है ये बिंदु पुस्तक है और पांचवी जो है वो अक्षर पुस्तक है। ये अक्षर पुस्तक जो है ये हमारे हाथ में आती है हमारे सामने अक्षर उसका है और या जो हमारे ऋषि सिद्ध पुरुषों के माध्यम से जो हमें निर्वाहम की भाषा प्राप्त होती है उसका ये नाद और बिंदु पुस्तकों के अंदर वो विवरण देते हैं। लेकिन उसके पीछे उनका दर्शन ये है कि आखिर निगम और आगम के प्रति ऐसी श्रद्धा क्यों इतना अधिक उसके ऊपर जो निर्भरता है वो क्यों है तो उसको वो स्पष्ट करते हैं कि ये मूलतः एक निगम और आगम जो हैं ये चेतना के वो अंश अवतरित हुए हैं जो समाधि भाषा के अंदर
अब नीलमत पुराण के अंदर दिख रहा है कि श्री कंठ ने दुर्वासा से कहा कि तुम ये शैवाद्वैत जो है इसका त्र्यंबकादित्य के माध्यम से जैसे होना चाहिए। अब श्री कंठ ने दुर्वासा को जो कहा वो किस भाषा में कहा? क्या वो वहां की कश्मीरी जो पैशाची प्राकृत थी क्या उसने से कहा उसको, या उसने संस्कृत में जो है आजकल जैसे हम संस्कृत बोलते हैं ऐसी भाषा में कहा? वो श्री कंठ ने, या तो उसको आप अस्वीकार करें कि श्री कंठ ने नहीं कहा, लेकिन नीलमत पुराण परंपरा कह रही है कि श्री कंठ ने ऐसे उस तरह से दुर्वासा मुनि को ये कहा कि तुम इस प्रकार से शैवाद्वैत का, द्वैत का, अद्वैताद्वैत का इन परंपराओं के लिए तुम, क्योंकि कलयुग में ये शास्त्र लुप्त तो हो गए हैं। लोभ का अर्थ यहाँ पर नष्ट होना नहीं होता है, प्रसक्त से आदर्शनम लोपा, प्रसक्त का आदर्शन विद्यमान वस्तु का ना दिखाई देना ही लोप होता है। तो ये चीजें जो हैं परे चली जाती हैं, जब बहुत ज्यादा विकृतियां आती हैं तो उनका आदर्शन हो जाता है, दिखाई नहीं देती। तो कहा कि वो इस भाषा में कहा, तो कहा कि वो भाषा जो थी वो कौन सी, आगम की भाषा, निगम की भाषा। आज भी हम वैदिक मंत्रों में इसी प्रकार का विकार लाने का साहस नहीं करते। संस्कृत बड़े बड़े विद्वान, चाहे वो पाणिनि शास्त्र के विद्वान हो, चाहे कोई भी विद्वान हो, लेकिन वैदिक मंत्रों में वो साहस नहीं कर सकता कोई भी, क्योंकि वो व्याकरण से उत्पन्न कृत्रिम भाषा नहीं है। वो उसको हम समाधि भाषा के रूप में ही ग्रहण करते हैं। और ये समाधि भाषा क्या होती है कि संप्रज्ञात की पराकाष्ठा में पहुंचे हुए लोग जब मम और पर के भाव से परे होते हैं, ये मम और पर का भाव जो है इसका निरूपण जो विश्वनाथ ने भी कहा है कि ये शैव लोग उसका अनुभव कैसे करते हैं थ्रू नाटक के माध्यम से, कलाओं के माध्यम से कैसे प्राप्त करते हैं, लेकिन वो क्षणिक भाव हमें प्राप्त होता है उसमें। तो न परस्य परस्येति न ममेति ममेति, ये मम और पर के भाव से जब चेतना निकली हुई होती है उस समय स्पॉन्टेनियस जो आपका ज्ञान अवतरित होता है वो समाधि भाषा में अभिव्यक्त होता है, उसको समाधि भाषा कहा जाता है। समाधि भाषा से दूसरे स्तर पर आगम कहते हैं कि उत्तर कर जो है, ये संभवतः शतपथ ब्राह्मण में भी इसका कुछ जिक्र है, और उसमें हरिवंश पुराण में भी इस प्रकार का विवरण उपलब्ध होता है। समाधि भाषा में हम संस्कार, संस्कृत भाषा में उसको देव भाषा कहते हैं, क्योंकि वहां से देवताओं का स्वरूप प्रकट होने लगता है। पंचस्तवी का मैंने जिक्र किया था, पंचस्तवी में एक श्लोक में ये स्पष्ट करते हैं वो कि शब्दानाम जननी तोत्र भुवने वाग वादिनी तुच्य से, वो देवी की स्तुति कर रहे हैं भगवती की, स्तुति करते हुए दर्शन स्थापित करती है कि देवताओं का आविर्भाव वाक से कब हुआ, कैसे हुआ। शब्दानाम जननी तमत्र भुवने वाग वादिनी तुच्य से, तुम शब्दों की जननी हो और वाग वादिनी सरस्वती के स्वरूप में, वाक रूप में आप ही सब कुछ हो। तत्तः केशव वासव प्रभृतो प्याविर्भवन्ति ध्रुवम्। ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र शिव ये सारे ये शब्द के रूप में ही आविर्भूत होते हैं, देवता सारे ये सभी देवता वाक स्वरूप ही हैं, इसलिए ये शब्द ब्रह्म शब्द ही इनकी मूर्ति है, शब्द ही इनका स्वरूप है, शब्द से ही हम परिचित हैं। ये कृष्ण है, ये राम है, ये हैं, जो जो कुछ भी है ये सारे का सारा क्या है। तत्तः केशव वासव प्रभृतयो इंद्र, और ये सभी जो हैं वो तुम्हारे से ही आविर्भूत होते हैं। लीयन्ते खलु यत्र कल्प विरमे, और जब ये
कल्पों का मन्वंतर कल्प इत्यादि जो कालक्रम है, जब वो सृष्टि का निमेश होने लगता है, बंद होने लगता है, उपसंहार होने लगता है, तो ये सब के सब देवता तुम्हारे में ही आकर के लीन हो जाते हैं। वो उसी परा के अंदर अनुप्रविष्ट हो गए ना, लीयन्ते खलु यत्र कल्प विरमे। तो सातों काचिदचिंत्य रूप गरिमा शक्ति पराधीय से, वो तुम अचिंत्य रूप गरिमा जिसके रूप की और गरिमा जिसके महात्म्य का चिंतन नहीं किया जा सकता है, सातों काचिदचिंत्य रूप गरिमा, वो तुम कुछ ऐसी हो जो अचिंत्य हो। अचिंत्य माने बुद्धि का विषय नहीं हो, अचिंत्य रूप है। तुम्हें कोई फॉर्म देना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अचिंत्य रूप गरिमा, तुम एक स्पिरिट के रूप में, एक ऊर्जा के रूप में, प्रत्यवमर्शात्मा परावाग सरस्वतीता, वो प्रत्यवमर्शात्मा जो चिटी शक्ति, वही परावाग सरस के रूप में, सरस से उसके शिव की इच्छा उदित होती। तो वो सातुम काचिदचिंत्य रूप गरिमा शक्ति पराशक्ति ही, वो तुम पराशक्ति रूपा हे वाक, हम लोगों के द्वारा तुम्हारा गान किया जाता है, तुम्हारे से ही वो उसमें हमें ये स्फुरता जो मिलती है, जो तुम्हारे माध्यम से ही वो जो प्रकाश आलोक आता है, वो हम अपनी वाणी से इस तरह से प्रकट करते हैं। तो अभिप्राय क्या कि समाधि भाषा के अनंतर देव भाषा का अवतरण स्वीकार किया और देव भाषा के आगे, देव भाषा का ही आगे अवतरण क्रम के अंदर, अब देखें कि एक गंगा का प्रथम स्तर जहां मूल से आप जाते हैं, और उसका नीचे का स्तर, और फिर उसका ये हावड़ा के पास जो मैदानी इलाकों में जो गंगा का स्वरूप है, वो धीरे धीरे तीसरे क्रम में आकर के कहते हैं कि वो जो है वो अक्षर भाषा के रूप में, ये जो जिसे हम आज भाषा कहते हैं, वो उस देव भाषा के रूप में उसका स्वरूप जो है वो मानवीय भाषा के अंदर अवतरित होता है। तो तीन स्टेप्स इस तरह से भी आगमों के अंदर उनका जिक्र आता है कि उसमें समाधि भाषा से देव भाषा में, और देव भाषा को कहीं कहीं पर परकीय भाषा शब्द से भी प्रयोग किया है कहीं पर, और उस देव भाषा से उसका अवतरण जो है वो इस मनुष्य भाषा के रूप में होता है। तो इस तरह से ये सारा विश्व उस विश्वोत्तीर्ण परम शिव की जो पराशक्ति है, वो वाक रूपा उसको काश्मीर शैव दर्शन मानते हैं। अब भाषा दर्शन आज का जो है वो केवल मात्र ये प्राय है, उसका जो स्वरूप जो पश्चिम में खड़ा होना शुरू हुआ पिछले लगभग मेरे ख्याल 200 वर्ष से ज्यादा समय तो शायद नहीं हुआ होगा, ये जो फिलोलॉजी के माध्यम से, भाषा विज्ञान के माध्यम से, लिंग्विस्टिक्स के माध्यम से जो दर्शन खड़ा होने वाला है, वो दर्शन नितांत वैखरी और मानुषी भाग का ही एक प्रकार से अध्ययन रह जाता है। वो उसमें वो तीर्ण विकृति की तरफ वो नहीं जाने का प्रयास करता है। भाषा दर्शन जो है वो तीर्ण विकृति पद की तरफ अग्रसर हमें नहीं होने देता है, वो केवल मात्र ध्वनियों का अनुसंधान सूक्ष्म से सूक्ष्म, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि उन लोगों की अपनी है, उस दृष्टि से वो लोग करते हैं। तो इसलिए कश्मीर शैविज्म जब बात करता है तो वो उसमें, क्योंकि इसी वाक के माध्यम से, इन्हीं वर्णों के माध्यम से, जो वर्ण क्रम मैंने कहा है कि वर्ण क्रम ये एक विचित्र क्रम का भी अपना महत्व है, इसलिए क्रम को भी शक्ति रूप स्वीकार किया गया है। तो ये जो क्रम है उस क्रम के जरा से भी आगे पीछे हो जाने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, उसमें थोड़े से मात्रा का आगे पीछे हो जाने से उच्चारण के अंदर उदात्तानुदात्त तो स्वरित जो लोग संस्कृत के हैं जानते हैं कि उससे मात्राओं में
उसमें मात्रा के लाघव में प्रसार में अंतर पड़ जाता है उसे बोलने मात्र से ही। इसलिए वहां पर वो शुरू में ये कहते थे कि यद्यपि बहुनाधी से तथापि पठपुत्र व्याकरणम, अगर बहुत नहीं भी पढ़ना है ज्यादा तो भी व्याकरण बेटा जरूर पढ़ लो। स्वजनो स्वजनो महाभूत, स्वजन जो है वो स्वजन न बोल देना कहीं, क्योंकि स्वजन के माने तो कुत्ता हो जाएगा और स्वजन के माने अपना बंधु होता है। स्वजनो स्वजनो महाभूत, सकलम शकलम, और शकल को शकल बोल देंगे तो शकल के माने है टुकड़ा और शकल के माने है संपूर्ण। संपूर्णता जो है वो शकलों में बदल जाएगी, सारा अखंड जो है वो सारा सखंड हो जाएगा। तो इस तरह से शब्द प्रयोग के अंदर ये एक क्रम का, क्योंकि ये वाक जो है संस्कृत जो है, इसलिए संस्कृतम नाम दैवी वाक, ऐसे नहीं कि संस्कृतम नाम दैवी वाक लोग कह देते हैं कि वो स्वर्ग की भाषा है कि पता नहीं क्या देवताओं की भाषा, ऐसा नहीं है। उसका एक दर्शन है और वो दर्शन उसका जो है वो अध्यात्म दर्शन उसका है पूरे का पूरा उसके पीछे, और वो अध्यात्म दृष्टि जो है वो उसे ले जाती है देव भाषा के पद पर। उसमें मनुष्य जीवन के अंदर दिव्य को उतारने का प्रयास किया गया है, एक प्रयोग किया गया है। इतिहास में क्या होता है कैसे होता है उसके बारे में अब वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय ये है कि संस्कृत को देवी वाक कहने के पीछे कारण क्या रहा। वो देवी कारण कहने के पीछे मूलतः ये रहा कि उसके अंदर परम शिव की पराशक्ति का संचार हमने अपनी रोजमर्रा की वाक के अंदर ही उतारने का प्रयास किया कि मैं वांग में मनसि प्रतिष्ठिता, मनो में वाचि प्रतिष्ठितम, ये कहा कि मन वाणी में उतरे, वाणी मन में, ऐसी एक निष्ठा आ जाए। ये आवीरमय जी, ये प्रकाश पुरुष मेरी वाणी में तुम उतरो, प्रकट हो उसके अंदर। ये वैदिक मंत्रों की, उपनिषदिक मंत्रों का शांति पाठ जो है उसके अंदर भी ये प्रार्थना की जाती है, वांग में मनसि प्रतिष्ठिता, मेरी वाणी मन में प्रतिष्ठित हो, मनो में वाचि प्रतिष्ठितम, मन मेरा वाणी में प्रतिष्ठित हो, नहीं तो मुंह में कुछ रहेगा और मन में कुछ और हो जाएगा, तो वाणी जो है वो निरर्थक हो जाएगी, निष्फल हो जाएगी। आविर आविर मेरी, इसलिए मेरी ये प्रकाश पुरुष तुम प्रकट हो मेरे सामने, और मेरी ये श्रुति के प्रति, शब्द के प्रति मेरी आस्था बनी रहनी चाहिए। वेदस्य मणिष्ठ श्रुतम एवाप्रहासी, शब्द मुझे नहीं छोड़े नहीं, क्योंकि शब्द का छोड़ने का मतलब है चैतन्य मंतर्गतम, शब्द से मैं अलग हो जाऊंगा, क्योंकि एक विधि बनाई गई उसके अंदर। शैव शास्त्रों के अंदर भी ये कहा गया कि द्रष्टव्यात्मा हे शिव, तुम्हें द्रष्टव्यस्तम बहुविध विधि सर्व सिद्धांत वाक्य, तुम ही दर्शन के योग्य हो। उपनिषद भी कह रहा है आत्मा वारे द्रष्टव्या श्रोतव्या मंतव्या निविद्य, लेकिन उसी को शैव स्तोत्र के अंदर भी यही कहा जाता है कि द्रष्टव्यस्तम बहुविध विधि सर्व सिद्धांत वाक्य, श्रोतव्यो निर्विकल्प है शिव गुरु वचनाम्भोरुहेण प्रभु, शिव गुरु के वचनों से तुम श्रवण करना, शब्द का श्रवण करना। अब ये श्रवण जो है, ये शब्द, ये मुझे न छोड़ जाए। श्रुतम मेवा प्रहासी अनेना अधीते, ये मैंने जो आज जो कुछ भी पढ़ा है, अहोरात्रान संदधामी, मैं अपने दिन रात का व्यवहार चलाऊं इस पढ़े लिखे से, दूसरे से नहीं, छल कपट से नहीं। वो अनेना अधीताय अहोरात्रान संदधामि, ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, तन्माम अवतु तद्वक्कारम अवतु, वो ऋत का कथन करूँ, वो सत्य का कथन करूँ, वो मेरी रक्षा करे, वो बोलने वालों की रक्षा करे और वो सुनने वालों की भी रक्षा करे। इन शब्दों के साथ में समझता हूँ कि मैंने
थोड़ा सा आपको काशी शैव शास्त्र में मार्गदर्शन का थोड़ा सा जो मैंने स्वरूप बताया है, लेकिन इसके अतिरिक्त वाक् तत्व के ऊपर शैव शास्त्र के अंदर बहुत गहन अध्ययन किया हुआ है, और वो गहनता जो है वो दर्शन भी बनाती है और अध्यात्म दोनों में अन्वय समन्वय करती है, अध्यात्म का और दर्शन का दोनों का उसमें सामंजस्य है। धन्यवाद। धन्यवाद। आज का ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण था और कई पक्ष भी स्पष्ट हुए, और बल्कि एक जो और पक्ष था जो मेरे ध्यान में आया आपकी सारी चर्चा से, वो ये है कि इन आगम शास्त्रों की जो पृष्ठभूमि, मतलब आगम शास्त्रों के बारे में एक जो धारणा कई बार बन जाती है कि ये निगमों से संबंधित उतने नहीं हैं, इनकी पृष्ठभूमि जो है वो वेद उतने स्पष्ट रूप से नहीं जुड़ते, तो कम से कम आज ये भी सिद्ध हुआ कि ये सारे आगम शास्त्र, ये सारा जो आगम शास्त्र है इसकी वैदिकेतरता का पक्ष भी आज एक स्पष्ट हुआ। ये मेरे ध्यान में आया कि नहीं तो अक्सर क्या होता है कि हम वेदों को छोड़ जाते हैं, वहां पे संगत हो जाते हैं और ये चीज हमारे सामने आ जाती है। तो आज इस पक्ष से भी ये बात हमें स्पष्ट हुई कि ये सारे आगम शास्त्र जो है इनके वैदिकेतरता जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण विषय है, थोड़ा सा हम और देखेंगे। लेकिन ख्याल कोई प्रश्न है राजेंद्र नाथ जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर हाँ जी प्लीज। नमस्ते सर। नमस्कार। सर व्हाट इज द रोल ऑफ शारदा स्क्रिप्ट इन द कश्मीर शैवा फिलोसफी? शारदा स्क्रिप्ट का रोल तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि उनका जो वर्ण विन्यास है, क्योंकि कश्मीर का नाम ही शारदा देश रहा है, तो शारदा देश की वो वहाँ की जो लोग हैं उनका बोध जो है वो वाक जो है वो जब लिपि के रूप में आती है ना, तो लिपि में एक आकार बनता है, वो शब्द जो है उसको हम आकार प्रदान करते हैं। जैसे ओम का है जो आज हम लिखते हैं जिस ढंग से, हमेशा ऐसे नहीं लिखा जाता रहा है, इसी समय इसका आकार उस काल के लोगों की अपनी चेतना के अनुसार उसका स्वरूप रहा होगा। तो मैं समझता हूँ कि शारदा स्क्रिप्ट का महात्म्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी वर्णों का वर्ण पर जो आकृतियां हैं उन आकृतियों को किसी अगर कश्मीर के शैव शास्त्री से पूछा जाए तो वो बड़ा अच्छा निरूपण कर सकता है कि ये जो मात्रा है ये इसके अंदर हम लिखने में जो क्रम है वो लिखने में आकार जो हमने ध्वनि को जो आकार दिया है, तो वो आकार ऐसे नहीं होगा कि जो कुछ भी लिख दिया ऐसा, लेखन में भी विज्ञान है वहाँ पर कि ध्वनि का कैसे आकार कैसे प्रदान किया जाए। मैं समझता हूँ कि शारदा लिपि का बहुत महत्व है वहां पर। राजेंद्र नाथ जी के प्रश्न को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। एक सेकंड राजेंद्र जी। हाँ वो ये है कि एक बार आगे हमने छोटा सा सेमिनार किया था कि वर्णों की आकृति का सामाजिक मनोविज्ञान की दृष्टि से क्या अर्थ हो सकते हैं, क्योंकि एक जनसमूह जब किसी एक विशिष्ट आकृति को, वर्ण की आकृति को स्वीकार करता है, उसके पीछे कोई ना कोई एक मनोवैज्ञानिक तथ्य या एक सौंदर्यात्मक तथ्य, दार्शनिक तथ्य तो होता ही होगा। लेकिन वो वर्णों के अंदर क्या है, हालांकि हमें वो डिक्शनरीज में ये तो जरूर मिल जाता है कि इस वर्ण का ये विष्णु देव था और इंद्र, लेकिन फिर भी उसका दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक तथ्यों को, सामाजिक मनोविज्ञान की दृष्टि से अगर हम उनकी व्याख्या करें तो एक वर्कशॉप मुझे लगता है कि इसके ऊपर लगाई जानी चाहिए, केवल आकृतियों के ऊपर ही। ध्वनि छोड़ दी, छोड़ दें हम अभी, ध्वनि पे भी कर सकते हैं, लेकिन
केवल मात्र आकृति की, ये इसमें इस तरह से जैसे प की आकृति है, तो प में इस तरह नहीं से वो उस आकृति को स्वीकार करने के पीछे क्या कारण होंगे और उसका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या महत्व है? वो एक आकृति है, वो देवता की आकृति है। प्रत्येक वर्ण जो है वो देवता की आकृति है, इसीलिए जो ब्राह्मी शब्द लिपि के साथ जुड़ा, ब्राह्मी देवनागरी, देवनागरी का प्रत्येक अक्षर देवनगर, वो देवता का ही स्वरूप है। और देवता का स्वरूप करके ही उसमें हम लोग वहां पर एक अक्षर लिख करके, ये जो मंत्रों में बीजाक्षर हैं और हैं, इनकी आकृतियां हैं, और आकृति में ही देवता की उपासना जो रिचुअल फॉलो करने वाले लोग हैं वो करते हैं उसकी आकृतियों की। तो शारदा में इसको उसकी जो आकृति है, उस आकृति के मूल में निश्चित रूप से जो कंपन होगा, ध्वनि का जो कंपन होगा, वो निश्चित रूप से उसके आकार को स्पष्ट करेगा। वो लिपियों की जो भारतीय लिपियां हैं, इन लिपियों का आपस में कैसा संबंध है, ये एक अलग से विषय बन गया। हाँ जी, इस पे विचार करेंगे। राजेंद्र जी, आप श्लोक मुझे पोस्ट किया है, मैं उसको कृपया उसका उच्चारण कर दीजिए, स्पष्ट कर दीजिए। शब्द राशि रूपस्य। समुत्तस्य हाँ जी, हाँ प्लीज। शुद्धराशि समुत्तस्य शक्तिवर्धस्य भोग्यता कला विलुप्त अभिभावकता सांस अशुस्मृतः। संशय पशु स्मृतः। हाँ आप इसको अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं वो आप नहीं, मेरे को इस नहीं आया था, मेरी स्क्रीन पर आया नहीं, नहीं है वो। नहीं यहाँ नहीं आया। अच्छा, वो चैट फिर ऑन नहीं होगी इसीलिए वो नहीं है, लेकिन श्लोक हाँ, बहुत सुंदर क्या क्या कहा, मेरे को सुनाई भी ठीक से नहीं दिया। है। अच्छा राजेंद्र जी, दोबारा इसको जरा धीरे धीरे पढ़ दीजिए ताकि उनको स्पष्ट हो जाए। शुद्ध राशि समुत्तस्य शक्तिवर्गस्य भोग्यताम कला विलुप्त अविभावो गता सांस पशु स्मृतः। जो मेरे को थोड़ा जो उसको बिना उसको प्रणाम किए निकल जाता है, ऐसा कुछ शब्द स्पष्ट नहीं हो रहा, आवाज ठीक है, ज्यादा स्फुट नहीं हो रही, लिखित रूप में आ जाता तो बड़ा अच्छा था, लिखित रूप में नहीं आ रहा। कोई नहीं, चलिए वो चैट में उसको ले हाँ लेंगे दोबारा। आपके स्क्रीन पे चैट ओपन नहीं होगी। रविदत्त जी। गुरु जी, हाँ गुरु जी, एक जैसे शैव और शाक्त ग्रंथों में कई हम हमने हाँ जैसे कूट शब्दों के बारे में, कूट वर्णों के बारे में जैसे पढ़ा है कई कई स्थानों पर, तो अगर इसमें मैं थोड़ा विलंब से इसको जोड़ पाए गुरु जी, तो अगर आज बता दिया गया हो तो फिर तो मैं उसको सुन लूंगा, अन्यथा आप थोड़ा इस पे यदि कूट वर्णों के ऊपर थोड़ा चलें, क्योंकि ये इतना जैसे कुछ गोपनीयता की दृष्टि से इसके बारे में ज्यादा ग्रंथों में पाया भी नहीं जाता, नहीं लिखा होता है, तो आप कृपया कूट वर्णों के बारे में अगर कुछ हमारा मार्गदर्शन करें तो। जी देखो, कूट वर्ण जो है ना, वो उसमें वो एक वाग दर्शन से थोड़ा भिन्न विषय जाएगा, क्योंकि कूट वर्णों के अंदर एक आपका एक प्लानिंग है, सिस्टमेटिक। आप उसको कूट क्यों बनाना चाहते हैं, एक तो ये है कि आप उस बात को, इस बात को कहना चाहते हैं, उस बात को उस ढंग से ठीक नहीं आप सोचते हैं कि कह नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको एक छिपा करके बात को कहा जाए तो शायद वो ज़्यादा अच्छी बन जाएगी उसके अंदर। इस शैली का प्रयोग आगमों में भी, अध्यात्म विद्याओं में कहीं कहीं पर लोगों ने किया है, तो
कूट वर्णों में ऐसे रहता है एक छिपाने का भाव जैसे कि एक प्रहेलिका के रूप में कूट वर्ण जो है वो प्रहेलिका की तरह आ जाते हैं। अच्छा, संप्रदाय क्रम से उनका बड़ा महत्व होता है। जिस संप्रदाय के वो लोग आचार्य जो उन कूट वर्णों का प्रयोग कर रहा है वहाँ पर, एक तो वो है कूट और दूसरा मंत्रकूट है। मंत्रकूटों का और इनका आचार्य लोगों के माध्यम से ही ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि वही उसका। लेकिन मैं सामान्य रूप से जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि एक पद पढ़ा जाता था, हम जीवित मार मुआ मत लियायो, मांस बिना घर आयो नारे। अब ये आप अर्थ समझते हो इसका? जीवत मार मुआ मत लियायो, मांस बिना घर आयो नारे। नहीं जी गुरु जी, इसका अर्थ नहीं समझते। नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये कूट है। उर्बिन खुरबिन चुंज चुरन बिन, बिन पंखों एक हंसा है रे। उस हंसे को मार दे भाई, जाके रक्त न मांसा है रे। ये कूट पद है। तो सबकी समझ में, सबको समझ में आते हैं शब्द, सबको समझ में आते हैं लेकिन अर्थ इसमें नहीं होगा। तो इसलिए ये जो एक कूट वर्णों का जो प्रयोग किया जाता है ये चेतना को उस ढंग से विकसित करने की अपेक्षा ये उसे गूढ़ उसमें बना देता है। कहीं पर तो इस शैली का प्रयोग अगर आप करते हैं, कभी लोग करते हैं, दूसरे लोग भी प्रयोग करते हैं कि उसमें सार्धम केन च कस्यार्धम शिवो समरूपिणो ज्ञातुम न शक्यते लग्नम इति द्वैत छलान्मुह। वो शिव और शक्ति का यामल भाव है। अब उसमें संत ज्ञानेश्वर अपने अमृतानुभव छोटी सी पुस्तक उनकी है तो उसमें वो मंगलाचरण में ये पद रख दिया उन्होंने कि सार्धम केन च कस्यार्धम। अब ये प्रयोग हमें उससे भी आगे ले जाता है थोड़ा। कालिदास यहाँ पर वाग्रथा भी संप्रक्तो वाग्रथ प्रतिपत्ते जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। ये किसका आधा किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये शक्ति का आधा शिव से जुड़ा हुआ है कि शिव का आधा भाग शिव शक्ति से जुड़ा हुआ है? ये कैसे निर्णय करे? या तुम न शक्ति ते लगू, ये समझा नहीं जा रहा है। संत ज्ञानेश्वर जो थे वो बहुत बड़े महाराष्ट्र के वो एक विभूति रहे और उसमें ये नाथ पंथ का भी उनमें था और ये सारा कल्ट का वो प्रतिनिधित्व भी करते थे। तो अब इसको जब आप समझोगे। हेलो हेलो हाँ जी गुरु जी, हेलो संपर्क में शायद कुछ कठिनाई आ रही है। सेकंड हम लोगों को एक मिनट वेट करना पड़ेगा। मैं जरा देखूं कि कहाँ संपर्क में। वो पापा की आवाज नहीं आ रही, बिनु को जाना जरा वो देखे। वो आवाज नहीं आ रही पापा जी, ना फोटो आ रही है लोग। जल्दी कर यार, होल्ड तो मैं कर रहा हूँ, फटाफट कर रहे हैं, लोग वेट कर रहे हैं। हो गया
ओके ओके ठीक है। हाँ जी हेलो। अरे हाँ जी हाँ जी आप हाँ नहीं जी हाँ जी तो अब उसमें जो कूट भाषा है वो एक संप्रदाय की रक्षा के लिए, सांप्रदायिक क्रम को अग्रसर करने के लिए वो प्रयोग किया जाता है। उसमें जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये कादिपदा अभिनव गुप्त जो रहस्य पंचरसिका के अंदर कहते हैं, कादि करा क आदि अक्षर जिसके हाथ हैं, और कार्य शब्द जो है वो क से ही बना है, कादि करा कादि पदा, और टकार आदि जो है ये जिसके चरण हैं, और पादि पार्श्वयुग्म मध्यस्थ, और प वर्ग से जिसका पार्श्वयुग बने हुए हैं, वो सारी वर्णमाला जो है जिनका जिसमें स्वरूप निहित है, ऐसी वो भगवती देवी सरस्वती जो है उसको प्रणाम करता हूँ। तो वो उसका अब प्रत्येक वो एक संप्रदाय क्रम से उनका अर्थ जो होता है वो उस संप्रदाय के गुरु आचार्य लोग उसे जानते हैं। शास्त्र में ये एक शैली है जिसको शैली को प्रयोग लोग करते हैं कि जिस बात को हम सीधे से नहीं कह सके उसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से समझाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, नाव में नदिया डूबी जाए, लोग आगे लोगों को, अरे नदिया तो नाव में डूबती है, ये नाव में नदिया डूबी जाए ये क्या उल्ट बोल रहा है। तो वो कहता है कि परम चैतन्य का वो लघु चैतन्य में वो समावेश हो गया है, ये इसका अर्थ निकला है। उसमें जब पूछा तो उन्होंने कहा ये इसका मैंने आपके सामने एक रख दिया, लेकिन इसका अभिप्राय ये था कि वो परम तत्व का क्षुद्र तत्व के अंदर एक पूर्ण समावेश उसका हो गया है, इसलिए मैंने ये कहा कि आज ये नाव में नदियां डूबी जाए, अब वो नहीं रहा साधन। तो ये एक भाषा के कहने के अनेक नाना प्रकार है। उन नाना प्रकारों में से ये प्रत्येक संप्रदाय प्रत्येक दर्शन की अपनी टर्मिनोलॉजी है, तो उसका बारे में उन अक्षरों का उन शब्दों को बिना संदर्भ के बिना प्रसंग के दुराख्यात करना मेरे ख्याल उचित नहीं रहेगा। एक निवेदन आया है वैसे तो पराग तिवारी जी की ओर से। मैं चाहूंगा कि पराग जी अगर आप अपनी बात स्वयं रखें तो ज्यादा उचित होगा। पराग जी हेलो। हाँ जी पराग जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? क्या है प्रश्न उनका? उनका प्रश्न नहीं है, निवेदन है कि कैन वी हैव ए सेशन ऑन मातृका चक्र साधना, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ ईच वर्ण एंड द तत्व रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ देम। आल्सो प्लीज सजेस्ट ए गुड रेफरेंस टू स्टडी मातृका चक्र इन डेप्थ, थैंक्स। हाँ तो उनके ये था कि कल का अगर ये सत्र जो है अंतिम लेक्चर जो है अगर मातृका चक्र पे हो जाए और उसकी साधना हाँ उसके कुछ हमें पढ़ने का मिल जाए तो समझता हूँ कि ये भी एक पक्ष था, इसी की एक्सटेंशन हो जाएगी बाक का मातृका चक्र से, और शिव सूत्र भी मातृका चक्र संधाने चलो मातृका चक्र लिखते संबोधन पर हो गया। हैं। एक ना रविदास मातृका चक्र संबोधन हाँ जी ये शिव सूत्रों में एक सूत्र है, मातृका चक्र संबोधन, तो कल इसको उस पर फिर हम चर्चा कर लेंगे। कल इसको लिया जा सकता है, लेकिन रविदत्त जी का जो प्रश्न था मेरा ख्याल उसका हाँ एक पक्ष शायद वो कूट शब्द प्रयोग कर गए, वो शायद कहना चाह रहे होंगे बीज मंत्र। रविदत्त जी क्या मैं ठीक कह रहा हूँ?
जी जी गुरु जी, इसमें बीज मंत्र और जैसे कूट शब्द, ये कई जैसे मेरा वरिवत्स्य रहस्यम जो पढ़ा मैंने हाँ जी, और उपनिषद आदि, उनमें जैसे उसी बीज मंत्र के लिए कई बार कूट ऐसा शब्द दे दिया जाता है जी, हाँ वाग वो, भव कूट हाँ वो, शक्ति हाँ मैं कूट। थोड़ा सा और स्पष्ट कर देते ना, क्योंकि ये कूट भाषा और वो बीज मंत्र की कूटता जो है वो दोनों में थोड़ा सा अंतर हो गया। मैं मुझे लगा था कि भी शायद आप कुछ इस तरह का कहना चाह रहे हैं, तो एक छोटी सी संक्षिप्त सी टिप्पणी उस पर आप कर दीजिए फिर इसको। नहीं, मैं उसमें यही है कि बीज मंत्रों में भी, क्योंकि प्रत्येक जो वर्ण है, प्रत्येक मातृका जो है, वो एक पर्टिकुलर भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। वहां पर प्रत्येक ध्वनि का हकार, ऋकार, मकार, यकार, जितनी भी ध्वनियां हैं, वो सारी की सारी, तो उन ध्वनियों का मिश्रण जब करते हैं लोग, तो वो संप्रदाय क्रम से उन लोगों ने उसका मिश्रण किया होता है। वो अपने क्रम से कि देखिए, ये हमने ये बीज मंत्र हमने ये बना दिया है। जैसे आए दिन ये लोग बना लेते हैं, अब राम उपासना में जो लोग हैं वे राम रामाय नमः, राम जो है ये बीज है। अब राम शब्द को आपने उच्चारण करना है, तो राम इस बीज अक्षर को लगा करके आगे इसका उच्चारण करेंगे। वो गणपति के उपासक लोग कहेंगे गंग गणाधिपति, पहले गंग का प्रयोग करो, तो गंग से आपका जो एकदम अनुस्वार जो है वो आपको आज्ञा चक्र के ऊपर की ओर ले जाएगा, तो आज्ञा चक्र के ऊपर बैठ करके फिर गणपति का नमस्कार। तो ये प्रत्येक संप्रदाय ने सांप्रदायिक क्रम के अंदर इनका ज्यादा महत्व है, और वो तत्त्व संप्रदाय के वही आचार्य लोग उसको बनाते हैं और उनका प्रयोग करते हैं। तो वो एक और वो शास्त्र भी उस संप्रदाय तक ही सीमित रहते हैं, क्योंकि वो अपने शिष्य के अतिरिक्त और किसी को उस तरह का संकेत देते नहीं। बीज मंत्र जो बनाएंगे ना, वो बीज मंत्र बनाएंगे क्या कि दो तीन चार ध्वनियों का मिश्रण करेंगे, और प्रत्येक ध्वनि का उनका पीछे जो साक्षात्कार है कि वो तत्व साक्षात्कार है कि ये जो ध्वनि है इस ध्वनि से इस तत्व का बोधन हो रहा है, दूसरी ध्वनि से दूसरे तत्व का बोधन हो रहा है, इसलिए ये सारा थोड़ा रहस्य उसके पीछे रहता है। चलिए ठीक है, ये मुझे लगता है कि कल इस पे थोड़ी सी चर्चा और भी हो जाएगी, जब मातृका चक्र पे बात होगी तो शायद ये सारी चीज़ें बीच में आ जाएंगी। तो आज का जो लेक्चर है, आज का जो ये बातचीत रही है, ये एक तरह से 16वीं कला थी, चंद्रमा की 15 कलाएं हमें दिखाई देती हैं, 16वीं शिव जी के मस्तक पर है, तो आज 16वां ये जो कला थी लेक्चर के रूप में वो तो पूर्ण हुआ, लेकिन क्योंकि एक सामान्य मान्यता है कि एक संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए, तो कल का एक लेक्चर और जो है वो मातृका के ऊपर 17वां लेक्चर रहेगा, और उसके बाद जो अगले दिन है 6 तारीख, उस दिन सेमिनार रखा है लगभग 2 ढाई घंटे का, 2 घंटे का, और उसमें हम और विषय वगैरह मैंने सारे दे दिए हैं, पहले कुछ और विषय था लेकिन फिर उसको थोड़ा सा परिवर्तित किया है ताकि उसको और युक्ति संगत और आधुनिक दृष्टि से देखा जाए, मूल्यांकित किया जाए, मूल प्रश्न उसमें वो रहेंगे, उन पे भी चर्चा होगी, और बाकी जो है 6 तारीख को मैं चाहूँगा कि आप में से सभी लोग अपनी अपनी बात उस विषय पे जरूर रखें, क्योंकि उस तरह से जो सेमिनार है वो कभी मुझे लगता नहीं है कि नॉर्दर्न इंडिया में, कम पर्टिकुलरली पंजाब हरियाणा हिमाचल में कभी हुआ है कश्मीर शैविज्म पर, राजस्थान में भी हुआ है और बाकी जगह भी हुए हैं, लेकिन उस पे नहीं हुआ, तो इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि उस विषय पे अपने विचारों की अभिव्यक्ति जरूर करें, तो वो मैं अभी बाद में बात करूंगा, लेकिन उससे पूर्व प्रोफेसर राजेंद्र शर्मा जी, सर आप कुछ कहना चाहेंगे 16वीं कला के बारे में, आज का जो 16th कला है। एक उसमें हाँ जी राजेंद्र जी राजेंद्र जी, सुन पा रहे हैं डॉक्टर साहब? बोले, चलो
बोले 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 राजेंद्र उन्होंने अभी माइक ऑन नहीं किया। राजेंद्र प्रसाद जी सर, चलिए मुझे मालूम नहीं, अभी उनका माइक नहीं ऑन हुआ। मैडम बीना अग्रवाल, मैडम बीना, बहुत गहन विषय सर ने आज स्पष्ट किया है, और तो बहुत मतलब अभी भी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ बाकी है समझ में आना भी, और ये जो बात का जो क्रम है ऊपर से नीचे आने का, और कूट अक्षर और बीजाक्षर बहुत गूढ़ विषय है निश्चित रूप से, तो गुरु मुख से और सुनना अपेक्षित है। ठीक है मैडम। राजेंद्र प्रसाद जी का शायद अभी वो माइक नहीं ऑन हो पाया, या मुझे मालूम नहीं कि शायद सर। हाँ जी डॉक्टर साहब, आप हेलो, अपनी बात कहें। हाँ जी, हाँ जी, कहें। हाँ प्रणाम करता हूँ सर को। और सर ने आज बहुत ही अच्छी तरह से, और जो वाक दर्शन है उन्होंने स्पष्ट किया कि प्राप्त पसंती मध्यमा और वेग, और इनसे कैसे देवीवाणी उत्कीर्ण हुई और विश्व की सृष्टि कैसे हुई है, इस विषय को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से रखा। वेदों से और आगमों से और निगम से, दोनों परंपरा से इसको उन्होंने सामंजस्य बताया, और किस तरह से ओम जो है उससे पूरी भाषा बनी है और पूरे शब्द बने, उसी तरह सृष्टि बनी है। ओम जो है किस तरह से भगवान का या परम सत्ता का नाम हो गया, ये इन्होंने स्पष्ट किया, और ये जान करके हमें बहुत चीजें स्पष्ट हुई और बहुत ही अच्छा लगा। हम चाहते हैं ये निरंतर इसी तरह हमारा ज्ञानवर्धन करते रहे और हम इसका ये लाभ लेते। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ, और इस निवेदन के साथ कि कल एक बार पुनः मिलेंगे, और विषय जैसा आप लोगों में से ही सुझाया गया है मातृका चक्र के बारे में, उस पर बातचीत होगी, और उसके साथ जुड़े हुए जो संबंधित अन्य विषय हैं बीज मंत्र आदि, उन पर भी चर्चा हो जाएगी। और 6 तारीख के लिए मेरा आप लोगों से निवेदन है इस सेमिनार के लिए मैंने चैट बॉक्स में डाल रखा है, विषय को रिस्ट्रक्चर किया था, तो तदनुकूल हमारे साथ वक्ता जुड़ेंगे और आप लोग भी अपनी अपनी बात उस दिन रखेंगे, तो उसके उसके लिए आप लोगों को सादर आमंत्रण है, और आप बाकी लोगों से भी इसको साझा कर सकते हैं। और लिंक जो है वो सेमिनार का लिंक अलग है, लेकिन लेक्चर्स का लिंक अलग है, क्योंकि इसमें कई चीज़ें अभी कंटिन्यू करने वाली हैं, आगे के हमारे कई एक विषय और किस तरह के रहेंगे, तो इसलिए उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और बाकियों को भी सूचित कर दें। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, और अब आप लोग सभी जो हैं अपनी मीटिंग छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। छोड़ सकते हैं पापा, आप ये उतार दीजिए।